जेल के माहौल के लिए हर कोई नहीं बना होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी लोगों को जेल के माहौल में रहना पड़ता है। जब एक नॉर्मल लड़की एक जेल के खतरनाक कैदियों के बीच में फंस जाएगी जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होगा, तो वो लड़की कैसा सर्वाइव करेगी? क्या वो भी उन कैदियों की तरह खुद को बदल लेगी? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। आज की हमारी इस टीवी सीरीज का नाम है विज़ अ-वीज़। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है मैकारोना नाम की एक लड़की से, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक एरिक नाम के आदमी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। एरिक और मैकारोना का अफेयर भी चल रहा था और एरिक यहाँ पर मैरिड मैन था, लेकिन फिर भी वो मैकारोना से इंटीमेट रिलेशनशिप रखता था। मैकारोना एरिक से सच में भी बहुत प्यार करती थी और वो उनके रिश्ते को नाम देना चाहती थी, लेकिन सारी प्रॉपर्टी और कंपनी एरिक की वाइफ के नाम पर थी और अगर वो उसको डिवोर्स देगा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। मैकारोना एरिक के कहने पर उसकी वाइफ के पैसे एरिक के लिए चोरी भी करती है, लेकिन एरिक के प्लान में उल्टा मैकारोना ही फंस जाती है और उसको 7 साल की सजा हो जाती है। एरिक भी मैकारोना का साथ नहीं देता है और उल्टा एरिक तो कोर्ट में ये तक कह देता है कि मैकारोना के साथ में उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। मैकारोना को लगता है कि जब उसने कोई गलती नहीं की है तो जल्द ही जेल से छूट जाएगी, तो इसीलिए वो अपने घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं बताती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ में इटली घूमने के लिए जा रही है। अब फिर जेल में चेकिंग के बाद मैकारोना को एक रूम दिया जाता है जहाँ पर वो देखती है कि कुछ कैदी अपने रूममेट को हैरेस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो उस सेल में रहने से मना कर देती है। तब जेलर पालोमा मैकारोना को एक दूसरा सेल देती है जहाँ पर 3 कैदी यालेंडा, एना और सोले रहा करते थे और ये लोग मैकारोना से बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। इधर पालोमा ब्रेक टाइम में अपने बेबी के लिए मिल्क पंप कर रही थी और तभी कोई उसको एक वीडियो सेंड करता है। उस वीडियो में पालोमा अपने घर में अपने बच्चे के साथ में सो रही थी और कोई उसके घर में घुसकर उसका वीडियो बना रहा था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। अपनी बेबी के सेफ्टी के लिए पालोमा बहुत डर गई थी और उसे पता था कि ये सब जूलिया के लोगों ने किया है। जूलिया के बाहर बहुत ही कनेक्शन है और बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर है, तो इसीलिए पालोमा जूलिया की हर डिमांड को पूरा करने के लिए राजी हो जाती है। जूलिया के मांगने पर पालोमा उसे वो येलो कार्ड भी दे देती है जिससे जेल का कोई भी गेट खुला जा सकता है। फिर रात को जेल के नए माहौल में मैकारोना को नींद नहीं आती है और वो रोने लगती है। तब यालेंडा उसे कंफर्ट करती है। मैकारोना यालेंडा के हाथ में एक नंबर 8 का टैटू नोटिस करती है। फिर कुछ देर के बाद में वहाँ पर जूलिया आकर यालेंडा को बात करने के लिए वहाँ से ले जाती है। इधर फाबियो और एंटोनियो जेल को गार्ड कर रहे थे, तभी उनको लॉन्ड्री रूम का डोर खुला हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर यालेंडा की डेड बॉडी मिलती है। अगली सुबह तक कैदियों को यालेंडा की मौत की खबर तक नहीं मिली थी और जेल में एक लेस्बियन लड़की वैन मैकारोना को प्रपोज करती है और उसके साथ में वो रिलेशनशिप बनाने को कहती है, लेकिन मैकारोना इसके लिए मना कर देती है। वैन की जेल में पहले से सेलेना नाम की एक गर्लफ्रेंड थी और सेलेना मैकारोना और वैन की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है। इधर पुलिस को पता चल जाता है कि यालेंडा को टॉर्चर करके मारा गया है और शायद यालेंडा के छुपे हुए पैसे का पता लगाने के लिए किलर ने ऐसा किया होगा। यालेंडा और उसके बॉयफ्रेंड ने बैंक से 9 मिलियन यूरोस चोरी किए थे और शूटआउट के टाइम पर यालेंडा का बॉयफ्रेंड मारा गया था और यालेंडा को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन अरेस्ट के पहले यालेंडा ने पैसे कहीं पर छुपा दिए थे। फिर कुछ देर के बाद सभी को यालेंडा के मर्डर के बारे में पता चलता है और फाबियो मैकारोना से मर्डर के बारे में पूछताछ भी करता है, लेकिन मैकारोना उसको कुछ नहीं बताती है। अब कुछ प्रिजनर्स को ग्रीन हाउस में गार्डिंग करने के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर मैकारोना यालेंडा के प्लांट्स की देखभाल करती है। सोले से मैकारोना को यालेंडा के पैसे वाली बातें पता चलती है और उसे ये भी पता चलता है कि यालेंडा ने पैसे कहाँ पर छुपाए हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन उसके सिम में है जो कि यालेंडा ने जेल में ही कहीं पर छुपाई है, लेकिन मैकारोना को वो सिम यालेंडा के प्लांट की मिट्टी में मिल जाती है जिसे मैकारोना अपने पास में छुपा लेती है। अब कुछ देर के बाद में जेल में एक लॉयर मैकारोना से मिलने के लिए आता है जिसको एना ने भेजा था, जो कि 1 मिलियन यूरोस के बदले उसको जेल से निकालने की बातें करता है, लेकिन केस की वजह से मैकारोना का बैंक अकाउंट और घर कोर्ट ने सीज कर रखा था तो और मैकारोना के पास में 1 मिलियन यूरो नहीं थे। 7 साल में जेल में रहने की बात सोच कर ही मैकारोना परेशान हो जाती थी और जेल के डॉक्टर के पास जाती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेल के डॉक्टर कार्लोस बहुत ही बुरा इंसान है और मैकारोना को भूच का इंजेक्शन देकर वह उसका फायदा उठाता है। इसके बाद एना लॉयर के बदले मैकारोना को ये फोर्स करती है कि वो उसका काम करे, तो इसके लिए मैकारोना उसको मना भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो एना जूलिया को बता देगी कि मैकारोना जानती है कि जूलिया पालोमा को उस रात अपने साथ में ले गई थी और ये जानकर तो जूलिया मैकारोना को मारी डालेगी। एना मैकारोना को येलो की गार्ड दे देती है ताकि मैकारोना रात को सेल से निकलकर बाहर जेल के गार्डन तक एना का पार्सल लेकर आए। उसके बाद सभी डिनर पर जाते हैं और गार्ड वहाँ पर नोटिस करता है कि सभी प्रिजनर्स कोई चीज़
एक दूसरे को पास कर रहे थे, तो इसीलिए गार्ड एक एक करके सभी प्रिजनर्स की चेकिंग करने के लिए आते हैं। मैकेडोना के पास में येलो की कार्ड था जिस वजह से वो नर्वस थी। वेन को भी इस बात का पता चल जाता है और मैकेडोना को बचाने के लिए वेन गार्ड के साथ में झगड़ा कर लेती है। तब मैकेडोना को मौका मिल जाता है और वो कार्ड को छुपा देती है। मैकेडोना को पता था कि अपनी फैमिली को वो ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाएगी, तो इसलिए मैकेडोना अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो जेल में है। फिर रात को मैकेडोना जब एना का पार्सल लेने के लिए गार्डन में जाती है तो देखती है कि उसने येलो कार्ड खो दिया है, तो इसीलिए गार्ड से बचने के लिए वो बॉल्स के बास्केट में छुप जाती है और गार्ड के सामने ऐसा दिखाती है कि उसको किसी ने वहाँ पर। लेकिन चेकिंग के टाइम पर मैकेडोना के पास एना का ड्रग पार्सल मिलता है और सजा के लिए मैकेडोना को एक अकेले सेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर मैकेडोना को समझ आता है कि अगर उसको जेल से निकलना है तो उसे येलेंडा के पैसों का पता लगाना होगा। अब उस रूम में टाइम पास करने के लिए मैकेडोना एक्सरसाइज भी करती है। हम देखते हैं कि एक दिन मैकेडोना के पास के दीवार से किसी की आवाज़ आती है और मैकेडोना सोचती है कि वहाँ पर किसी और प्रिजनर को बांध कर रखा गया होगा। मैकेडोना उसके साथ में बातें शेयर करने लगती है। यहाँ तक मैकेडोना उसको ये भी बताती है कि वो ड्रग उसका नहीं एना का है। लेकिन मैकेडोना जिससे बातें शेयर कर रही थी वो और कोई प्रिजनर नहीं बल्कि जेल के ऑफिसर्स थे, ताकि जेल में ड्रग की सप्लाई कहाँ से हो रही है इसका पता लगा सके। अब एक एक्सरसाइज करते टाइम मैकेडोना के हाथ में चोट लग जाती है और तब कार्लोस उसका ट्रीटमेंट करता है। कुछ देर टेरिसा मैकेडोना को अपना यूरिन सैंपल देने को कहती है ताकि डॉक्टर पता लगा सके कि मैकेडोना ड्रग लेती है या नहीं। मैकेडोना उसको अपना यूरिन दे देती है और टेरिसा के यूरिन सैंपल से डॉक्टर को पता चलता है कि टेरिसा प्रेग्नेंट है। शाम को सभी प्रिजनर्स येलेंडा की याद में मीटिंग कर रहे थे और वहाँ पर सोले ड्रिंक करके बेहोश हो जाती है क्योंकि सोले को हार्ट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर सोले का ट्रीटमेंट करते हैं और बच जाती है। इधर जूलिया मैकेडोना को धमकी देती है कि अगर मैकेडोना ने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो उसे जान से मार डालेगी। और जेल के डायरेक्टर मारिंडा जेल के गार्ड और जेलर के साथ में मीटिंग करती है। जिस रात येलेंडा की मौत हुई थी उस रात फाबियो एंटोनियो और पालोमा ड्यूटी पर थे, तो किलर की उन्हीं तीनों में से किसी ने हेल्प की होगी। अब उसी दिन जेल में मैकेडोना को मिलने उसके फादर मैट और उसकी माँ एरिका आती है। मैकेडोना का इस हालत में देखकर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे और जाने से पहले मैकेडोना के फादर मैकेडोना को 500 यूरोस देकर जाते हैं। अब यहाँ पर लंच टाइम में मैकेडोना के खाने में कुछ प्रिजनर्स थूक देते हैं जिस वजह से मैकेडोना उस खाने को नहीं खाती है। और उसी दिन मैकेडोना मिरांडा को बता देती है कि जूलिया येलेंडा को अपने साथ में लेकर गई थी जिसके बाद में येलेंडा का मर्डर हुआ था। लेकिन येलेंडा के फेयरवेल पार्टी में जूलिया ऐसा दिखाती है जैसे कि वो येलेंडा की बेस्ट फ्रेंड है। फेयरवेल पार्टी में सेलिना मैकेडोना को वेन से दूर रहने को धमकी देती है। यहाँ पर अब फाबियो के जोर देने पर पैलोमा को कन्फेस करना पड़ता है कि जूलिया के डर से उसने जूलिया को येलो कार्ड दिया था और उसी के बाद में येलेंडा का मर्डर हुआ था। उसी रात एंटोनियो फेबियो के घर पर डिनर पर जाता है और वहाँ पर एंटोनियो फेबियो की वाइफ गोया से मिलता है और गोया यहाँ पर ब्लाइंड थी। फेबियो पहले पुलिस में था जिस वजह से उसके बहुत से एनिमीज थे और एक बार फेबियो के किसी एनिमीज ने गोया को बहुत मारा था जिस वजह से वो अंधी हो गई थी। उसके बाद फेबियो ने पुलिस की जॉब छोड़ दी और जेल का गार्ड बन गया था। अब अगले दिन जेल में वेन सेलेना से पूरी तरह से ब्रेकअप कर लेती है जिस वजह से सेलेना मैकेडोना से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद पैलोमा जूलिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस वालों को नहीं बताए कि येलो की कार्ड उसने उसको दिया है। अब कुछ देर के बाद में मैकेडोना जूलिया से मिलने आती है और जूलिया को वार्निंग देती है कि अगर जूलिया ने उसकी फैमिली को हार्म किया तो वो जूलिया का सीक्रेट पुलिस को बता देगी। लेकिन इससे बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है और गुस्से में जूलिया अपने हस्बैंड टॉम को भेजती है ताकि वो जाकर मैकेडोना के फादर को मार दें। मैकेडोना को भी जूलिया के चाल के बारे में पता चल जाता है और वो अपने फादर को वार्न करना चाहती थी, तो इसलिए फ़ोन के लिए मैकेडोना एना को 400 यूरोस दे देती है। लेकिन यहाँ पर एना मैकेडोना को फ़ोन नहीं देती है और उससे बाकी के पैसे मांगती है क्योंकि मैकेडोना की वजह से उसके ड्रग्स पकड़ा गए थे। तब मैकेडोना एक दूसरे प्रिजनर्स को पैसे देकर उससे फ़ोन लेती है और अपने फादर को फ़ोन लगाती है, लेकिन मैकेडोना के फादर मैट उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। तब मैकेडोना एंटोनियो से फ़ोन चुरा कर मैट को फिर से कॉल करती है। लकीली मैट कॉल उठा लेता है और मैकेडोना अपने फादर मैट को सेफ रहने की वार्निंग देती है। मैट फिर मैकेडोना के बॉस एरिक को गन से धमकी देकर पैसों की डिमांड करता है ताकि उससे मैकेडोना को जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन एरिक मैट को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टॉम पालोमा को गोली मारकर जान से मार देता है ताकि उसे जूलिया की बात बाहर ना निकले। सीन कट होता है और कुछ देर के बाद में मैट मैकेडोना से मिलने आता है जहाँ पर मैकेडोना मैट को येलेंडा के छुपाए हुए पैसे के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि जूलिया को मर्डर के शक में
पनिशमेंट सेल में बाकी प्रिजनर्स से अलग रखा गया है। और उसके बाद मैकेरोना वेन से मदद मांगती है एंटोनियो के फ़ोन को छुपाने के लिए, लेकिन फ़ोन पर फेबियो का कॉल भी आ रहा था। वो दोनों बात को किसी तरह संभाल लेते हैं। मैकेरोना फिर गार्डन में येलेंडा की सिम लेना जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर सिम नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर सोले ने सिम को चुरा लिया था ताकि मैकेरोना किसी मुसीबत में नहीं पड़े। सोले सिम को टॉयलेट में फेंक देती है, लेकिन मैकेरोना उस सिम को टॉयलेट से निकाल लेती है। इधर जूलिया पनिशमेंट में जरूर थी, लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड से कॉन्टेक्ट रख रही थी और अपने अगले प्लान को अंजाम भी दे रही थी। कुछ देर के बाद में मैकेरोना जब नहाकर बाथरूम से बाहर आती है तो उसको अपने कपड़े नहीं मिलते हैं और अपने कपड़ों में ही उसने येलेंडा का सिम छुपाया था। अपने सेल में मैकेरोना को एना धमकी देती है कि अगर मैकेरोना उसके नुकसान हुए ड्रग्स के पैसे नहीं देगी तो मैकेरोना को मार डालेगी। वेन मैकेरोना की प्रॉब्लम जानकर कुछ प्रिजनर्स से पैसे लेकर उनको एंटोनियो के फ़ोन से अपने घर वालों को कॉल करने देती है और जितने भी पैसे वेन को मिलते हैं वो उन पैसों को मैकेरोना को दे देती है। कुछ देर के बाद में मैकेरोना को एक प्रिजनर से ये पता चलता है कि उसके कपड़े एना ने चुराए हैं। मैकेरोना एना से इस बारे में पूछने जाती है। उससे पहले सेलेना मैकेरोना को एक बॉल से हिट कर देती है जिससे कि मैकेरोना जख्मी हो जाती है। मैकेरोना डॉक्टर कार्लोस से फ्लर्ट करती है ताकि कार्लोस भी कभी कभी उसकी मदद करता रहे। अब मैकेरोना फिर एना को उसके ड्रग्स के पैसे दे देती है और उससे वो सिम मांगती है, लेकिन एना ने वो सिम सेलेना को बेच दिया था। इधर फाबियो पुलिस को बताना चाहता था कि जूलिया ने येलेंडा का मर्डर किया है, लेकिन एंटोनियो इन सब में अपनी वाइफ के लिए कोई भी मुसीबत नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि मैकेरोना डॉक्टर कार्लोस की मदद से वेन के साथ में एक ही सेल में रहने लगी थी और वेन मैकेरोना की काफ़ी मदद कर रही थी और इस टाइम पर मैकेरोना वेन पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास कर रही थी। इधर मैकेरोना को टेरेसा से पता चलता है कि टेरेसा प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि खुद मैकेरोना ही प्रेग्नेंट है, क्योंकि ड्रग के टेस्ट से बचने के लिए टेरेसा ने खुद के और मैकेरोना के यूरिन सैंपल को आपस में बदल दिया था। फिर उसी दिन मैकेरोना के फादर मैट और उसका भाई लियो उससे मिलने के लिए आते हैं और उनसे मैकेरोना को पता चलता है कि अगर मैकेरोना के पास में एरिक के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में होने का कोई प्रूफ है तब मैकेरोना को वहाँ से बेल मिल सकती है। अब यहाँ पर मैकेरोना मैट और लियो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर इसके बाद मैकेरोना सेलेना को सिम मांगती है, लेकिन सेलेना उसे सिम नहीं देती है। सेलेना मैकेरोना के सामने ये शर्त रखती है कि अगर मैकेरोना वेन से दूर रहेगी तभी वो उसको सिम देगी, और मैकेरोना वेन को जाकर कहती है कि वो उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, और यह सुनकर मैकेरोना पर वो हाथ उठा देती है। मैकेरोना को वेन से दूर होता देखकर सेलेना मैकेरोना को वो सिम दे देती है। अब साथ ही मैकेरोना पुलिस को जूलिया के खिलाफ गवाही दे रही थी क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कोई मुसीबत नहीं चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि रात को मैकेरोना एंटोनियो के फ़ोन में येलेंडा का सिम लगाकर फ़ोन को ऑन करती है और वहाँ पर मैकेरोना को कुछ फोटोज़ मिलते हैं जहाँ पर येलेंडा ने अपने पैसे छुपाए हुए थे। वो अपने फादर मैट को कॉल करके सभी फ़ोटोज़ भेजकर पैसे ढूंढने को कहती है और मैट लियो को कुछ चीज़ें सुपरमार्केट से लाने को कहता है, लेकिन सुपरमार्केट के बाहर जूलिया का हस्बैंड टॉम लियो को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूलिया मैकेरोना को एक ऑफर देती है कि जूलिया मैकेरोना को जेल में प्रोटेक्ट करेगी, वो उसकी मदद भी करेगी और उसके बदले में मैकेरोना सिर्फ अपने केस में जितने पैसों की ज़रूरत है उतने ही रख सकती है, बाकी पूरे पैसे वो जूलिया को दे देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पनिशमेंट सेल में वेन फ़ोन पर मैकेरोना से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और मैकेरोना उसे माफ़ भी कर देती है, लेकिन उसी टाइम एक गार्ड वेन को कॉल करता हुआ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ जूलिया टॉम से कहती है कि वो लियो को जान से न मारें, बस उसे येलेंडा के पैसों का पता लगाएं। लेकिन जब टॉम कार की डिक्की खोलता है तो लियो टॉम पर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। जेल में मरेंडा को टेरेसा अपनी झूठी प्रेगनेंसी बताकर ये कहती है कि एंटोनियो उसके बेबी का बाप है। उस साथ ही वेन के पास में फाबिया का फ़ोन भी मिलता है, तो इसीलिए मरेंडा को ये लगता है कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बदले में एंटोनियो प्रिजनर्स की मदद करता है, तो इसीलिए मरेंडा एंटोनियो को जॉब से सस्पेंड कर देती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही फेबियो को उसकी जॉब मिलेगी। इधर मैकेरोना डॉक्टर कार्लोस से अबॉर्शन के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन खुद कार्लोस ही उसके अबॉर्शन के बदले में उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता था, जिसलिए मैकेरोना उसे मना कर देती है। इस तरफ फेबियो को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मैकेरोना ने एंटोनियो का फ़ोन चोरी कर लिया है, जिस वजह से एंटोनियो की जॉब खतरे में थी। अब इस बात को लेकर फेबियो मैकेरोना पर बहुत गुस्सा करता है और तभी फेबियो को मैकेरोना से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। अगले दिन मैट फेबियो से मिलता है और उसको जेल में मैकेरोना का ख्याल रखने को कहता है क्योंकि अब मैकेरोना प्रेग्नेंट भी थी। इधर मैकेरोना एना को अबॉर्शन पिल देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए मैकेरोना एना के मुताबिक उसको पैसे भी देने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेबियो टेरेसा को सच बताने के लिए धमकी दे रहा था और तब टेरेसा
ब्रेंडा को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट तो मैकरोना है और एंटोनियो की और फेबियो की इसमें कोई भी गलती नहीं है। दूसरी तरफ मिरांडा और पुलिस वेन को एक ऑफर देती है कि अगर वेन मैकरोना से सिम की बात निकल पाएगी तो वेन की सजा माफ कर दी जाएगी और उसको एक ही महीने में छोड़ दिया जाएगा। वेन भी इसके लिए मान जाती है और तब वेन की बॉडी में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट की जाती है ताकि मिरांडा के साथ में उसकी सभी बातें रिकॉर्ड हो जाए। अब उसके बाद में वेन थेरेपी क्लास में जाकर सेलेना से माफी मांगती है और दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद में वेन सिम को लेकर मिरांडा की कुछ बातें रिकॉर्ड कर पाती है, जिसके बाद में मैकरोना को पुलिस पूछताछ के लिए बुला लेती है। मैकरोना झूठ बोलती है कि उसने सिम को फेंक दिया है, लेकिन पैसा कहाँ पर है उस जगह के बारे में वो पुलिस को बता देती है। अब इसके बाद में पुलिस फेबियो के साथ में मैकरोना को लेकर पैसों को निकालने जाते हैं और पैसे जिस पत्थर के नीचे छुपा गए थे उसको मैकरोना देख लेती है, लेकिन वो उनको नहीं बताती है। दूसरी तरफ मैट और लियो भी पैसे ढूंढने के लिए जा रहे थे। टॉम उनका पीछा कर रहा था तो इसलिए वे दोनों टॉम को भटकाने के लिए दूसरी जगह पर पैसे ढूंढने का नाटक करते हैं। सभी लोग एक जगह पर थे तो इसीलिए सभी एक दूसरे पर शूट करने लगते हैं, जिस दौरान मैट, लियो और टॉम वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिसमैन और फेबियो जख्मी हो जाते हैं। मैकरोना वहां से भागती है लेकिन पुलिस के बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। सीन कट होता है और अब कहानी फिर से 10 दिन के बाद में शुरू होती है, जहाँ पर मैकरोना जेल में थी और उसको पता चलता है कि उसका बेबी बॉय है और उसका बेबी बहुत हेल्थी है। उसी दिन मैकरोना को उसके फादर मैट और उसका भाई लियो मिलने आता है, जिनसे मैकरोना पैसे ढूंढने को मना करती है, नहीं तो उन दोनों को पुलिस पकड़ लेगी और पैसों के पीछे लगने से उनको जूलिया से जान का खतरा भी है। यहाँ पर जूलिया को न्यूज से पता चलता है कि उसके हस्बैंड टॉम को येलेंडा के पैसे मिल चुके हैं और पैसे मिलने के बाद से टॉम जूलिया का फोन भी नहीं उठा रहा था, जिससे कि जूलिया बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में जूलिया मैकरोना को धमकी देती है। लेकिन मैकरोना जूलिया की इंसल्ट करती है और अब जेल के ज्यादातर कैदी मैकरोना का ही साथ दे रहे थे। अब सभी को पता चलता है कि टॉम पैसे लेकर भाग चुका है और बाहर के कनेक्शन के बिना जूलिया का कोई भी पाव नहीं था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि फाबियो और पुलिसमैन जब जख्मी थे तो फाबियो ने मैकरोना को मदद लाने के लिए भेजा था। मैकरोना मदद लाने के लिए जंगल के बाहर जा रही थी और मौका मिलने पर भी मैकरोना ने भरने की कोशिश नहीं की थी। हम इधर देखते हैं कि वेन ने सिम के बारे में मैकरोना से जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को लेकर दी थी उसके बदले में मिरांडा वेन को जेल से निकलने के पहले ही जॉब इंटरव्यू देने के लिए परमिशन दे देती है। फिर कुछ देर के बाद मैकरोना को मिरांडा से पता चलता है कि मैकरोना मदर यूनिट में बच्चा पैदा होने से पहले नहीं रह सकती है। उसी दिन वेन के लिए मैकरोना अपने अंकल की कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू फिक्स करवाती है और कुछ देर बाद वहाँ पर सेलेना के घर वाले आते हैं। सेलेना एक लेस्बियन थी लेकिन उसके घर वालों को ये बात नहीं पता थी और उसके घर वाले सेलेना की शादी अपने पसंद के लड़के के साथ में करना चाहते थे। जूलिया सेलेना की दोस्त थी तो इसलिए जूलिया वहाँ पर आकर सेलेना के घर वालों को ये बता देती है कि सेलेना एक लेस्बियन है और उसे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसे जानकर सेलेना के घर वाले उससे बहुत नाराज होते हैं और वे लोग सेलेना से अपना रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैकरोना के केस के लिए उसकी माँ एरिका ने बहुत सारे पैसे अपने रिलेटिव से ले लिए थे। वो जेल में फाबियो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गया था। फाबियो मैकरोना से प्यार करता था तो इसलिए फाबियो मैकरोना को बता देता है कि सिम की इन्फॉर्मेशन पुलिस को वेन ने दी थी। मैकरोना वेन को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और ये जानकर मैकरोना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने अंकल से कहकर वेन का इंटरव्यू कैंसिल करवा देती है, जिस वजह से वेन बहुत ही ज़्यादा नाराज थी। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्ती में वेन ने मैकरोना को पहले धोखा दे दिया था। डॉक्टर कार्लोस मैकरोना को मदर यूनिट में ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी था, लेकिन इसके बदले में कार्लोस मैकरोना को प्लेजर देने को कहता है, जिसके लिए मैकरोना मना कर देती है। यहाँ पर टॉम मैकरोना के घर पर जाकर उसकी माँ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैकरोना की माँ उस टाइम सो रही थी तो इसीलिए उनको टॉम के घर में आने के बारे में नहीं पता चलता है। एरिका ने जो मैकरोना के केस के लिए रिलेटिव से पैसे लिए थे वो पैसे टॉम चोरी कर लेता है। अब मैट और लियो को जब ये बात पता चलती है तो उनके दिमाग में यही आता है कि अगर येलेंडा के पैसे उनको नहीं मिले तो वे लोग मैकरोना को जेल से नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जब तक वे दोनों पैसे निकालने उस लोकेशन पर जाते हैं तब तक पैसे टॉम निकाल कर भाग चुका था। हम यहाँ पर जेल में देखते हैं कि जूलिया अपनी एक दोस्त को मैकरोना के पीछे लगा देती है उसकी सभी बातों पर नजर रखने के लिए। जेल के अंदर ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे तो इसलिए मिरांडा एक टीम लगा देती है ड्रग्स का मेन मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मैट से मिलने के लिए एक पुलिसमैन एलेक्स आता है ताकि वो जान पाए कि मैट की फैमिली कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। मैट एलेक्स को कुछ नहीं बताता है लेकिन फिर भी एलेक्स को टॉम के चलाई हुई गोली का शेल मिल जाता है जिसे वो अपने पास में रख लेता है। उसी दिन मैट और एरिका मैकरोना से मिलने जाते हैं
और मैकरोना उनको अपने बच्चे के बारे में बताती है। और अब मैकरोना 7 साल तक जेल में रहने से भी नहीं डर रही थी। तभी वहाँ पर वैन आती है जो उनकी बहुत इंसल्ट कर रही थी। और जेल के प्रिजनर्स का ऐसा बिहेवियर देखकर मैट अपनी बेटी को जल्दी जेल से निकालने का इरादा बना लेता है। उसके कुछ देर के बाद में वैन मैकरोना से माफी मांगती है और मैकरोना उसे माफ करके पहले की तरह दोस्त बन जाती है। एना मैकरोना को अबॉर्शन पिल लेकर देती है, लेकिन मैकरोना को अब इसकी जरूरत नहीं थी। फिर भी एना मैकरोना को अबॉर्शन पिल्स के पैसे देने को कहती है या फिर उसके लिए काम करने को कहती है। मैकरोना अपने बच्चे के लिए कोई खतरा नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो एना के कहे मुताबिक जेल में आए एक आदमी से ड्रग्स के पैकेट ले लेती है। लेकिन उसी टाइम डॉक्टर कार्लोस मैकरोना को एग्जामिन के लिए ऑफिस में बुलाता है और डॉक्टर को ड्रग के बारे में पता चल जाता है। मैकरोना कार्लोस को ड्रग्स की बात छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, नहीं तो उसके बेबी के लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन ड्रग की बात को छुपाने के बदले में मैकरोना को कार्लोस से फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए डील करना पड़ती है। अब अगले दिन अपनी फैमिली के लिए सेलेना को जेल में ही अपनी फैमिली के पसंद के लड़के के साथ में शादी करनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद में सेलेना की फैमिली उसके लेस्बियन होने की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम इधर ये भी देखते हैं कि जेल की अथॉरिटीज को टॉम का एक पार्सल मिलता है जो उसने जूलिया के लिए भेजा था। उस पार्सल में एक फोन यालेंडा के चुराए हुए पैसों में से 500 यूरोस का एक। फिर अथॉरिटीज टॉम का पता लगाने के लिए जूलिया के फोन कॉल पर नजर रखती है। लेकिन जूलिया को भी पता था कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी, तो इसीलिए पुलिस को गुमराह करने के लिए वो भी फोन पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। असल में टॉम जूलिया को जेल से निकालकर कंट्री छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था। फिर इस तरफ एना को जब ये पता चलता है कि डॉक्टर कार्लोस ने मैकरोना से ड्रग को छीन लिया है, तो एना मैकरोना पर हाथ उठाने वाली थी। लेकिन मैकरोना इस बार फाइट बैक करती है और वो एना को खुद से दूर रहने की वार्निंग भी देती है। गुस्से में एना और जूलिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैकरोना को पकड़कर लॉन्ड्री रूम में लेकर आते हैं। मैकरोना के निपल्स को काटने वाले थे, लेकिन उसी टाइम जूलिया को खबर मिलती है कि उनके ड्रग के लिए पैसे भर दिए गए हैं, तो इसीलिए एना मैकरोना को छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि इधर मैट और लियो को टॉम के ट्रेलर का पता चल गया है जहाँ पर टॉम रहा करता है। लेकिन अंदर जाने पर वहाँ पर टॉम नहीं, कोई और फैमिली रह रही थी। और यहीं पर इस सीरीज का पहला सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में हमने मैकरोना के बारे में देखा जो कि अपने मेरिड बॉस एरिक से प्यार करती थी, लेकिन एरिक बस मैकरोना का फायदा उठा रहा था और मौका मिलते ही उसने मैकरोना को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था और उससे पीछा छुड़ा लिया था। मैकरोना कभी भी क्रिमिनल नहीं थी, तो जेल के बहुत से प्रिजनर्स उसका फायदा उठाने लगे थे और उसको परेशान करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे मैकरोना ने जेल के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लिया था। मैकरोना के पास में एक ही मौका था येलेंडा के पैसों से जेल से निकलने का, लेकिन उन पैसों के पीछे भी बहुत से लोग पड़े हुए थे। जेल में भी मैकरोना जिसको भी बिलीव करती थी वो उसका भरोसा तोड़ता था। यहाँ तक कि जेल में डॉक्टर भी अपने सेक्सुअल फायदे के लिए प्रिजनर्स का फायदा उठाया करते थे। दोस्तों, विज़ोविस एक ऐसी सीरीज है जिसके टोटल 4 सीजन है और मैंने अपने एक ही वीडियो में इसके पूरे एक सीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आपको सीरीज पसंद आएगी तो मैं इसके आगे के सीजन को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसका अगला सीजन लेकर आऊँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।